जिला के 44वें पुलिस अधीक्षक के रूप में हरि प्रसाद ने किया पदभार ग्रहण। सुनिए नालंदा में ऐसे कंट्रोल होगा क्राइम, खुद बता रहे हैं नालंदा के नए एसपी। विधि व्यवस्था संधारण सर्वोच्च प्राथमिकता में रहेगा, साथ साथ मद्य निषेध नीति अवैध खनन पर कार्रवाई और तेजी की जाएगी, और पब्लिक स्टेशंस में जो सर्विस डिलीवरी है और जनता से जो व्यवहार है उसमें भी जो बदलाव करने की भी कोशिश किया जाएगा सिस्टमेटिक तरीके से। धार्मिक स्थलों और लोगों को क्या संदेश? ये नालंदा में बहुत पर्यटक स्थल हैं, पर्यटक स्थलों को जो है सुरक्षा का जो रिव्यू किया जाएगा, जहां आवश्यकता पड़ेगी वहां जो जरूर इंटरवेंशन किया जाएगा। अधिकारियों के लिए क्या किया? वो जो है वो भी आगे स्टडी करके जो भी लीगली जो काम है कार्रवाई होगी। पुलिस पदाधिकारी को लेकर क्या संदेश है? पुलिस पदाधिकारी के ये संदेश है, जो भी लोग थाने में आते हैं उनको सेवा के भाव से उनको बिठाइए और उनकी समस्या को सुनिए, जो भी सही काम है फिर वही करिए, किसी के दबाव में आके काम नहीं करना है, वो मेरे संदेश रहेगी। साइबर क्राइम का गढ़ है नालंदा, इसको साइबर क्राइम देखिए पूरे दुनिया में होती है, आवश्यकता पड़ेगी वहाँ जो जरूर इंटरवेंशन किया जाएगा। अधिकारियों के लिए क्या कीजिए? वो जो है वो भी आगे स्टडी करके जो भी लीगली जो काम है कार्रवाई होगी। पुलिस पदाधिकारी को लेकर क्या संदेश है? पुलिस पदाधिकारी के ये संदेश है, जो भी लोग थाने में आते हैं उनको सेवा के भाव से उनको बिठाइए और उनकी समस्या को सुनिए, जो भी सही काम है वही करिए, किसी के दबाव में आके काम नहीं करना है, वो मेरे संदेश रहेगी। साइबर क्राइम का गढ़ है नालंदा, इसको साइबर क्राइम देखिए पूरे दुनिया में होती है, किसी जिला में या किसी थाना विशेष नहीं है, सो साइबर क्राइम इज स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, सो इसके लिए हम लोग CCSMU स्थापित किए हैं, CCSMU बढ़िया से चल रहा है, फिर आगे भी इसको कैसे सुदृढ़ किया जाएगा उसके बारे में भी हम लोग सोचेंगे, क्योंकि साइबर क्राइम डायनेमिक है, बदलते रहता है क्राइम का नेचर और मॉडस ऑपरेंडी, तो उसके आलोक में फिर हम लोग आगे अपने आदमी को ट्रेन करेंगे, इक्विप करेंगे, फिर जो भी लीगल एक्शन है उसके लीगली हम लोग फाइट करेंगे। बालू खनन जो उठ रहा है उसके लिए क्या कीजिए? उसके लिए जो मैं पहले भी साफ कर दिया था, एकदम कोई भी हो और उसको मतलब कानून के विरुद्ध में अगर कोई भी कार्रवाई करेंगे उनको छोड़ा नहीं जाएगा, सख्ती से सख्त कार्रवाई किया जाएगा। लोगों से क्या अपील करते हैं? लोगों से मैं अपील करता हूं, जो पुलिस अपने अकेले कार्रवाई ये सब संभव नहीं है, पुलिस पब्लिक के जो है आपस के सामन्वय में और बेहतर तालमेल से ही समाज का निर्माण होती है। मैं पब्लिक से यह अपेक्षा करूंगा या अनुरोध करूंगा, आप पुलिस को जो अपने कर्तव्य को निभाने के लिए जो उचित सहयोग है वो दें, और पुलिस भी कहीं गलती करता है तो उसको जरूर वरीय पदाधिकारी के संज्ञान में लाएं। आपके SDO SDPO साहब हैं जो जिला स्तर के, हम लोग अपने पदाधिकारी हम लोगों पर कभी भी आप लोग ला सकते हैं, फिर उसमें अगर गलती करे किए रहेंगे उन पर जो है हम लोग उचित सेफ्टी ऑफ चिल्ड्रेन ऑनलाइन एडमिशन इज गोइंग ऑन। अपने बच्चों के नामांकन हेतु लॉग इन करें www.rpsbiharsharif.com।